प्रियंका को लेकर अब लाइव फीड में लगातार ये देखने को मिला कि वो सुबह से काफी इमोशनल हो गई हैं। लगातार जो है वो रोस ही रही हैं और सौंदर्या से अपनी दिल की बातें शेयर कर रही हैं। अंकित को लेकर क्या वो परेशान है? जिस तरीके से बार बार अंकित को लेकर उसके साथ जो है जो अनबन हो जाती है उसको लेकर वो परेशान है। हालांकि वो कहती हुई नजर आई कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस घर में मुझे इतना गलत क्यों समझा जा रहा है, मुझे ही अनफेयर बोलते हैं, मुझे ही लड़ाकू बोलते हैं, मुझे ही सब कुछ हर कोई बोल रहा है। ऐसा थोड़ी ना है, यहाँ की सिचुएशन ऐसी है कि मैं ऐसे रिएक्ट कर रही हूँ। अब मैं क्या करूँ, मुझे शुरू से आदत है कुछ भी गलत हो तो बताने की, ये गलत हो रहा है, मैं तो अपने पापा को भी बता देती हूँ। तो कहती कि पापा बड़े हैं, मैं उनको उस तरीके से बताती हूँ पर मुझसे गलत बर्दाश्त ही नहीं होता है ना, तो मैं क्या करूँ। और ये लोग मुझे उसी चीज़ को लेकर बार बार कहते हैं मैं गलत हूँ, अनफेयर हूँ, मैं राशन को लेकर लड़ती हूँ, मैं खाने को लेकर लड़ती हूँ, मैं अंकित से लड़ती हूँ, मैं लड़ाकू हूँ, मैं हर मुद्दे में टांग अड़ाती हूँ। तो वो इन सारी चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान है। हालांकि आज अंकित के साथ वो नहीं बैठी, इसका मतलब यही है कि अंकित के साथ फिर से कुछ अनबन हुई है जिसकी वजह से वो अंकित से दूर है। सौंदर्य अर्चना के साथ बैठी हुई थी, वो सौंदर्य को बोलती हुई भी नजर आएगी, यार मैंने सोचा है मैं अब अर्चना से तो नहीं लड़ूंगी, कम से कम अर्चना की वजह से जो है मैं खुश तो रहती हूँ, हंसती तो हूँ, वरना इस घर में मुझे हंसाने वाला तो कोई है ही नहीं। तो इस तरीके से प्रियंका को लगता है कि एहसास हो रहा है कि इस घर में बहुत सारी चीज़ों को उसने जो है अपने इस पर ले लिया है, मन में ले लिया है। जबकि सौंदर्य ने कहा कि यहाँ पर एकदम चिल आउट रहे हैं, पहले मैं भी चीज़ों को सीरियस लेती थी लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि लंबा समय बिताना है और ऐसे नहीं बीत पाएगा।